ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कस्टमर के सपोर्ट के लिए और अपने सर्विस पर्सन हैं उसको कमीशनिंग करने के लिए या तो सर्विसिंग के लिए जाते हो उस टाइम पे सपोर्ट के लिए। तो ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं, ये सिस्टम है ड्राई वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम सिस्टम है और वैक्यूम सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है सक्शन साइड में, निगेटिव प्रेशर या तो जहाँ पे फार्मा और केमिकल कंपनी हो जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे वैक्यूम की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए ये वैक्यूम सिस्टम यूज़ किया जाता है। और ये वैक्यूम सिस्टम का ये सक्शन साइड है, तो यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है और उसका आइसोलेशन वाल है, बटरफ्लाई वाल, और ये यहाँ पे डिस्चार्ज है। तो ये सक्शन साइड, यहाँ पे सक्शन साइड में वो निगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, ये डिस्चार्ज। और ये वैक्यूम पंप के लिए जो यूटिलिटीज़ है, वो यूटिलिटीज तो पहला एक तो ऑयल लगता है लुब्रिकेशन के लिए, तो ये यहाँ पे ऑयल है जो प्योर वाटर जैसे दिखता है लेकिन जैसे ही यूज़ होता है वो ब्लैक होता जाता है, तो एवरी वीक इसको चेक करना है, अगर ब्लैक दिखता है तो उसको रिप्लेस करना है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑयल इनलेट है और आउटलेट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आउटलेट है, ये खाली ओपन करना है, जैसे ओपन करेंगे ऑयल निकल जाएगा, नया ऑयल फिल कर सकते हैं। और दूसरा है उसको ग्रीस, जो यहाँ पे ग्रीस, ये बोल्ट एलन बोल्ट है, वो बोल्ट निकालना है और यहाँ पे ग्रीस नया फिल करना है, ये एवरी मंथ में चेक करना है ग्रीस। उसके बाद में और एक उसको यूटिलिटीज़ है, कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर एक्चुअली जैकेट के लिए रहता है, जैकेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कूलिंग वाटर इनलेट रहता है, ये कूलिंग वाटर इनलेट है। ये एक्चुअली कस्टमर के लिए बहुत इजी किया है कि यहाँ पे दोनों इनलेट और आउटलेट ला के रखा है कि इजी से वहाँ पे कनेक्ट कर सके कूलिंग वाटर का। उसके बाद में उसको हमें ये चेक करना है कि सिस्टम को इंस्टॉल करने के टाइम पे यहाँ वहाँ पे जगह प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद उसको अर्थिंग दिया है कि नहीं, स्क्रीड को और पैनल को अर्थिंग देना है यहाँ पे। उसके बाद में मोटर को अर्थिंग देना है, यहाँ पे बोल्ट दिया रहता है मोटर को अर्थिंग के लिए, एक ये साइड में रहेगा, ये मोटर के अर्थिंग के लिए बोल्ट है। और इस पंप को जब चालू करते हैं तो और भी यूटिलिटी लगती है, जैसे कि उसको नाइट्रोजन लगता है, उसके बाद में सॉल्वेंट लगता है, तो ये सॉल्वेंट टैंक है, इसमें सॉल्वेंट फिल किया जाता है। यहाँ पे उसका लेवल गेज है, यहाँ पे लेवल दिखाई देगा कितना सॉल्वेंट भरा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन देंगे, यहाँ पे लेबलिंग किया जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन देना है, यहाँ पे एयर देना है, जो इंस्ट्रूमेंट एयर रहेगा वॉल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये न्यूमेटिक वॉल है, बटरफ्लाई वॉल जो एयर से ऑपरेट होता है। और उसका यहाँ पे लिमिट स्विच है, वॉल ओपन है या क्लोज, वो फीडबैक देता है पैनल को। उसके बाद में ये टेम्परेचर आरटीडी सेंसर है, ये सेंस करेगा जैकेट का टेम्परेचर, अगर जैकेट का टेम्परेचर 75 के ऊपर अगर जाता है तो वो सिस्टम को स्टॉप करता है, वैक्यूम पंप को स्टॉप करता है। उसके बाद में है ये वैक्यूम ट्रांसमीटर, वैक्यूम ट्रांसमीटर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वैक्यूम वैक्यूम कितना है, ये कंट्रोलर पे डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे वैक्यूम कंट्रोलर पे, और टेम्परेचर कंट्रोल पे टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा। और इसी कंट्रोलर पे हम सेट पॉइंट रखेंगे टेम्परेचर जो भी रहेगा 75 डिग्री सेल्सियस, और वैक्यूम जो है वो सेट करेंगे जितना वैक्यूम चाहिए, 5 टॉर 1 टॉर, तो वैसे वो वैक्यूम मेंटेन कराए वी एफ डी थ्रू। इसमें वी एफ डी भी यूज़ करते हैं, ये वी एफ डी है जो वैक्यूम रिक्वायर्ड है वो मेंटेन करने के लिए। ये उसका कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे हमारे इंडिकेशन दिखता है पंप ऑन ऑफ ट्रिप का, या तो अगर लेवल लो है सॉल्वेंट लेवल लो, अगर सॉल्वेंट टैंक का लेवल लो है तो ये लेवल स्विच के थ्रू वो हमें पता चलेगा कि सॉल्वेंट अगर लो होता है तो उसको फिल करना है और इंडिकेशन दिखाएगा। और ये यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वैक्यूम पंप को और स्टॉप कर सकते हैं। और ये मेन स्विच है, पहले ये मेन स्विच ऑन करना है, पहले इंश्योर करना है कि अर्थिंग प्रॉपर दिया हुआ है, केबल कनेक्शन बराबर किया है, तो इसको सप्लाई लगता है 415 वोल्ट। ये स्प्लिट पैनल भी हो सकता है, यहाँ पे सिंगल पैनल यूज़ किया है FLP एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। और हर्ज लगता है 50 हर्ज जो इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है तो जैसे जिस देश का जो भी फ्रिक्वेंसी रहेगा उसके हिसाब से उसको फ्रिक्वेंसी रखना है देना है, और कंपोनेंट भी वैसे ही सिलेक्शन होते हैं उसके। और सिस्टम चालू करने से पहले हमें एक बार VFD स्टार्ट करके, मैनुअल में स्टार्ट करके डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन वो कभी भी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, ड्राई वैक्यूम पंप का, बूस्टर का एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अभी ये खाली ड्राई वैक्यूम पंप का वीडियो बना रहे हैं। और अभी इसमें जो कस्टमर का सक्शन लाइन रहेगा
वो ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, ये फ्लांज पे जो कस्टमर का लाइन है वो यहाँ पे आएगा। और मैं प्रोसीजर बता देता हूँ उसको स्टार्ट और स्टॉप कैसे करना है। तो स्टार्ट करने से पहले तो ये सभी यूटिलिटीज़ हमें चेक करना है, कूलिंग वाटर, नाइट्रोजन, उसके बाद में सॉल्वेंट और एयर है या नहीं, एयर का प्रेशर 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए और सॉरी बार चाहिए, और नाइट्रोजन जो रहेगा वो 0.5 to सॉरी वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, और जो जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो यहाँ पे दिखाई देगा वो 0.5 से लेके 1.5 तक होना चाहिए। यहाँ से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लो रहेगा नाइट्रोजन का वो 35 LPM तक होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे हम चालू करते हैं सिस्टम को, तो उसका ये प्रोसीजर रहेगा। जैसे स्टार्ट करते तो इनिशियली जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो नाइट्रोजन पर्जिंग चालू होगा और पंप चालू हो जाएगा। नाइट्रोजन पर्जिंग 5 मिनट तक चलेगा, उसके साथ लिक्विड फ्लशिंग भी होता है और लिक्विड फ्लशिंग 2 मिनट तक चलेगा। उसके बाद में 5 मिनट के बाद आइसोलेशन वॉल खुल जाएगा, तो कस्टमर अपने लाइन पे उसको ले सकता है, वैक्यूम जनरेट कर सकता है। उसके बाद में जो लिक्विड फ्लशिंग रहेगा वो 5 सेकेंड ऑन होगा और 20 सेकेंड ऑफ रहेगा, ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा जब तक पंप चल रहा है। और जैसे हमें उसको अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप, तो एक तो इमरजेंसी कुछ आता है तो इमरजेंसी पर दबा के हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करते ही आइसोलेशन वॉल क्लोज हो जाएगा, और वॉल क्लोज होगा उसके बाद लिक्विड फ्लशिंग शुरू होगा 2 मिनट के लिए, और नाइट्रोजन पर्जिंग होगा 5 मिनट के लिए। जैसे 5 मिनट कम्प्लीट होता है तो वैक्यूम पम्प भी स्टॉप हो जाता है और पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। और ड्राई वैक्यूम पंप के डिस्चार्ज में ये कंडेंसर और कैशपॉट लगाया जाता है, जो भी वेपर्स जो आते हैं आउटपुट में डिस्चार्ज साइड में वो कंडेंसर वेपर्स आएंगे तो वो कूल होके ये कैशपॉट में कलेक्ट होंगे, और कैशपॉट के बाद जब भी वो अगर कुछ टाइम के बाद उसको ड्रेन करना है, यहाँ से ये वॉल खोल के ड्रेन कर सकते हैं।